नेट स्लो है शायद आज। यहां पर देखिए, यहां पर एक पहला सवाल आपके पास में गिवन है। इसमें एक वायर की लंबाई है एल यहां पर आपके पास में, और आपको रेडियस आर गिवन है। उसको क्लैंप रिजिडली यहां पर लिखा है, उसको क्लैंप किया ऊपर से यानी कि रिजिड सपोर्ट से उसके वन एंड को, और दूसरा एंड पे जो है आपने एक फोर्स लगाया एफ। कह रहा है इसकी लंबाई कितनी इंक्रीज हो जाती है, एल लेंथ इंक्रीज हो जाती है। दूसरा वायर है सेम मटेरियल का बना है, लंबाई भी डबल, उसकी रेडियस भी डबल, अप्लाइड फोर्स भी डबल, तो उसकी लेंथ कितनी इंक्रीज हो जाएगी। ये चार ऑप्शन आपके पास गिवन है। क्या दूसरे केस में जो लेंथ होगी पहले वाले की डबल होगी, पहले वाले की जितनी होगी फोर्थ टाइम्स होगी पहले वाले के, या फिर पहले वाले का हाफ होगी। इसको कैसे सोल्व करेंगे आप, आइए इसको सीखते हैं। इसके लिए यहां पर हम जो है इसमें यहां इसको सोल्व करते हैं बच्चों। तो यहां समझिए, यहां पर मान लीजिए आपके पास में जो गिवन है ये, यहां आपके पास में एक वायर गिवन है, समझते हैं इसको। यहां एक ये वायर है, इसकी लंबाई एल है, रेडियस आर है, एफ फोर्स इस पे अप्लाई किया आपने, और इसमें जो इलोंगेशन आया है ये आपके पास स्मॉल एल है। अब आपके पास यहां पर आपको दूसरा तार दिया गया है, सेकंड वायर है, इस सेकेंड वायर में जो है इसकी लंबाई 2L है, इसकी जो रेडियस है वो भी 2R है, इस पे जो फोर्स अप्लाई किया वो भी 2F है। कह रहा है इसमें जो एलोंगेशन आएगा वो कितना आएगा, वो मान लीजिए L डैश आएगा, तो ये L डैश कितने L के बराबर होगा। तो यहां पर क्या करेंगे, दोनों वायर का मटेरियल सेम है तो दोनों वायर का Y आपस में बराबर होगा। ये आपको पता होना चाहिए कि जो यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है ये हमारा डिपेंड करता है किसके ऊपर, ये नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है, यानी कि दोनों किस मटेरियल के बने हैं। मान लीजिए दोनों कॉपर के हैं, दोनों स्टील के हैं, दोनों ब्रास के हैं, तो उस केस में दोनों का जो वाई क्या होगा, सेम होगा। अगर मटेरियल सेम है तो दोनों का यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी आपस में बराबर होगा। तो फॉर्मूला पुट करेंगे यहां पर, इसका फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया कितना पाई आर स्क्वायर, ओरिजिनल लेंथ एल एक्सटेंशन स्मॉल एल इक्वल टू कितना यहां पर बाई टू, फोर्स टू एफ, लेंथ टू एल, पाई रेडियस कितनी है टू आर का स्क्वायर करेंगे तो फोर आर स्क्वायर, और लेंथ आपके पास में एल डैश। तो देखिए यहां से सब कट जा रहा है बच्चों, यहां से आप निकालेंगे तो ये इधर वन अपॉन एल बचेगा, इधर कितना बनेगा वन बाई एल डैश बचेगा, बाकी सब कट जाएगा। तो एल डैश का जो मैग्नीट्यूड आएगा वो एल के बराबर आएगा। इस केस का जो आंसर आपके पास में बनेगा वो आपने जो क्वेश्चंस पढ़ा है यानी कि एल डैश इक्वल टू एल के बराबर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह के सवाल अक्सर यंग्स मॉडुलस के ऊपर ही न्यूमेरिकल आपके जेई मेन्स में नीट में पूछे जाते हैं। इसमें सेकेंड सवाल क्या है, आइए उसको भी जानते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में देखिए क्या है, सेकेंड क्वेश्चन में यहां पर आपके पास में गिवन है, कहा कि एक वायर है जिसकी लंबाई L1 और L2, जब फोर्स 100 लगाया और जब फोर्स कितना लगाया 120 लगाया, तो टेंशन पूछ रहा है ये गिवन है। इसमें कह रहा है इतने L2 इतने 10 L2 11 L1 के बराबर भी है, तो नेचुरल लेंथ ऑफ वायर विल बी 1/x L1, तो पूछ रहा है x का मैग्नीट्यूड कितना होगा। तो बच्चों यहां पर इसको डायरेक्ट मैं सोल्व कर दे रहा हूं। देखिए यहां पर आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि जो टेंशन होता है T, ये इक्वल टू आप लिखेंगे यहां पर जो एक कांस्टेंट मान लीजिए K, इक्वल टू
चेंज इन लेंथ जितनी होगी ये एल वन माइनस एल जीरो, ये जब टी वन है और जब टेंशन टी टू है तो यहाँ लिखेंगे के इंटू एल टू माइनस एल जीरो। तो ये दो इक्वेशन आप यहाँ पर बना लेंगे और दोनों इक्वेशन को आपस में डिवाइड जब करेंगे तो यहाँ पर आपके पास बनता है टी वन बाई टी टू इक्वल टू एल वन माइनस एल जीरो अपॉन एल टू माइनस एल जीरो। एल जीरो यहाँ पर नेचुरल लेंथ आपके पास में है। तो ये कंसेप्ट आप लगा करके, ये फॉर्मूला लगा करके आप जब दोनों को डिवाइड करेंगे इनको तो ये आपके पास बनेगा। इसमें टी वन और टी टू की जब वैल्यू आप पुट करें, टी वन आपके पास में कितना है 100 है, ये आपके पास में कितना है 120 है, डिवाइड करेंगे के से के तो कटेगा। तो एल वन आपके पास में एल वन लिख लीजिए, ये एल जीरो, एल टू की जो वैल्यू आप लिखेंगे एल टू इक्वल टू आएगा 11 एल वन बाई 10, तो 11 एल वन बाई 10 माइनस एल जीरो। यहां से जब सोल्व करेंगे बच्चों तो ये जीरो से जीरो तो कट जाएगा, कितना बनेगा ये 5 अपॉन 6 इक्वल टू यहाँ करेंगे 10 एल जीरो, 10 ऊपर भी चला जाएगा तो 10 एल वन माइनस 10 एल जीरो अपॉन 11 एल वन माइनस 10 एल जीरो। तो एक इक्वेशन बच्चों इसकी ये बन जाएगी, इस 10 के मल्टीप्लाई इसके साथ में किया फिर इस 10 को आप ऊपर भी लेके चले गए। अब इसमें जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह करेंगे तो करने के बाद में मैं आपको डायरेक्ट इसका आंसर बता दे रहा हूँ कैसे आप इसको करना है। करने के बाद इसमें ये L1 की जो वैल्यू आपके पास में निकल के आएगी, यहाँ पर ये L0 जो आपके पास में फाइंड करेंगे आप, L0 आपके पास में L1 बाई 2 के बराबर आएगा। इसको अगर हम कंपेयर करना चाहें L1 बाई x से तो यहाँ पर x पूछा गया है कितना होगा, तो x की वैल्यू आपके पास में 2 के बराबर होगी। तो ये भी एक बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है जो आपके एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। और इससे रिलेटेड और भी कुछ न्यूमेरिकल हैं, अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल हैं, वो कौन से न्यूमेरिकल हैं आइए उनको भी सीखते हैं। यहां पर देखिए एक तीसरा क्वेश्चन है, ये टू वायर ईच ऑफ मटेरियल ईच ऑफ रेडियस इतनी है दो वायर की, और यहां पर जो गिवन है आपके पास में नेग्लेजिबल मास है दो वायर के, एक वायर ये है एक ये है, इनके नेग्लेजिबल मास है, और एक स्टील का बना है ऊपर वाला, दूसरे वाला आपके पास में ब्रास का बना है ये जो छोटे वाला है, और पूछ रहा है इसमें इनका वाई आपको दे दिया और आपके पास में दे दी जी की वैल्यू दे दी है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो पूछ रहा है इलोंगेशन, पूछ रहा है स्टील वाले में कितना होगा इस वाले में। तो जब सोल्व करेंगे आप तो डेल्टा एल की जो वैल्यू आपके पास में होगी वो कितनी होगी, डेल्टा एल को जब आप लिखेंगे इलोंगेशन को, ये आपके पास में फोर्स अपॉन एरिया इंटू कैपिटल एल बाई वाई, वाई यहाँ वाई का फॉर्मूला होता है, वाई इधर होता है तो डेल्टा एल यहाँ होता है, तो हमने डेल्टा एल को इधर लिख दिया, वाई को इधर लिख दिया। अब इसमें एम का मतलब हो गया इसके ऊपर जो टोटल फोर्स लगेगा वो कितना होगा, तो उस केस में इन दोनों ब्लॉक का जो टोटल मास आपके पास में है वो आपको लिखना पड़ेगा, क्योंकि 1.14 केजी तो ये ब्रास के ऊपर है, 2 केजी वाला इसके ऊपर है, तो ये दोनों ब्लॉक का जो मास होगा वही इसके ऊपर वेट अप्लाई करेगा, उसी के कारण इलोंगेशन आएगा। तो फोर्स बराबर mg होता है इंटू एल ए इंटू वाई। तो इसमें जब आप पुट करेंगे बच्चों देखिए m की वैल्यू इसमें पुट करेंगे आप, इन दोनों ब्लॉकों का मास 3.14, g की वैल्यू 10 है, एल आपके पास में कितना गिवन है यहाँ पर, ये 1.6 मीटर गिवन है, और आपके पास रेडियस कितनी है 0.2 सेंटीमीटर, तो एरिया पाई आर स्क्वायर लिखते हैं, 0.2 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज किया, इसका होल स्क्वायर किया क्योंकि पाई आर स्क्वायर होता है, इंटू वाई की वैल्यू आपने पुट कर दी 2 × 10^11। तो बच्चों ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपके पास में हो गया, जब इसका मैग्नीट्यूड आप फाइंड करते हैं तो यहाँ से आपके पास में ये लगभग 20 × 10^-6 के बराबर आता है। यही इसमें पूछा गया है कि अगर इलोंगेशन आपके पास में यहाँ डॉट डॉट कितना और यहाँ कितना लिखा है 10^-6, तो इसको जब सोल्व करते हैं ये तो ये 20 × 10^-6 मीटर बनता है। तो यहाँ पर ये जो
आएगा, ये आएगा आपके पास में 20 इंटू 10 की पावर माइनस 6, तो 10 की पावर माइनस 6 लिखा ही है, तो इसको फिल करना हो तो यहाँ पर क्या लिखेंगे आप, 10 की पावर माइनस 6 लिखते हैं बच्चों। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। आइए अब नेक्स्ट सवाल पूछते हैं, सीखते हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, इसमें आपके पास में देखिए इस बार दो वायर ए और बी का वाई का रेशो गिवन है 1/4, और दोनों का क्रॉस सेक्शन एरिया आपको गिवन है 1/3, दोनों पे सेम अमाउंट ऑफ लोड अप्लाई करना है, और दोनों वायर में जो होगा द अमाउंट ऑफ एलोंगेशन प्रोड्यूस इन दी वायर ए एंड बी, दोनों में जो डेल्टा एल होगा उसका रेशो पूछा है। तो ये आपके पास सवाल है, इसमें क्या क्या गिवन है, एक आपके पास में यंग्स मॉडुलस का रेशो गिवन है, एरिया का रेशो गिवन है, और टू यंग्स मॉडुलस ऑफ द मटेरियल वायर ए एंड बी आर इन द रेशो इतना, एरिया क्रॉस सेक्शन रेशो इतना, सेम अमाउंट ऑफ लोड इज अप्लाइड टू बोथ द वायर्स, द अमाउंट ऑफ एलोंगेशन प्रोड्यूस इन द वायर ए एंड बी विल बी कितना होगा। इसमें गिवन है ये दोनों की लेंथ आपको क्या लिखनी है, बराबर लिखनी है। तो एक रेशो 1/4 है, एक 1/3 है, कैसे इसको सोल्व करेंगे आइए उसको भी जान लेते हैं। तो यहां पर आपके पास में दो वायर आपके पास गिवन है, एक ये वायर है एक ये वायर है, दोनों पे सेम लोड आपने अप्लाई किया, यहां भी एम मास आपने अप्लाई किया, यहां भी एम मास आपने अप्लाई किया, दोनों की लंबाई भी बराबर है, लेकिन इसका एरिया ए वन है, इसका एरिया ए टू है, इसका यंग्स मॉडुलस वाई वन है, इसका यंग्स मॉडुलस क्या बच्चों वाई टू है, दोनों का मटेरियल अलग अलग है, ऊपर से इनको यहाँ पर सपोर्ट दे रखा है, तो जो फ्री एंड है वहां पर आपने सेम मास अप्लाई किया है। तो पूछा गया है बताइए दोनों में जो इलोंगेशन आएगा, मतलब इसमें जो आपके पास में लेंथ इंक्रीज होगी वो डेल्टा एल वन मान लो, इसमें जो लेंथ इंक्रीज होगी वो कितनी होगी, इसको आप डेल्टा एल टू मान लो। तो डेल्टा एल वन अपॉन डेल्टा एल टू का रेशो आपको पूछा गया है, तो कैसे निकालते हैं, डेल्टा एल का डायरेक्ट फॉर्मूला पहले आप लिख लीजिए, अप्लाइड फोर्स यानी कि लोड अपॉन एरिया इंटू ओरिजिनल लेंथ अपॉन डेल्टा, ये जब डेल्टा एल यहां पर लिख दिया तो यहां पर आप लिख दीजिए ये वाई के, तो यहां से फॉर्मूला बन जाता है इसका, डेल्टा एल वन अपॉन डेल्टा एल टू पूछा गया है, ये इक्वल टू आपके पास बनेगा ए टू बाई ए वन इंटू वाई टू बाई वाई वन। तो ए टू बाई ए वन का मैग्नीट्यूड आपको क्वेश्चन में गिवन है बच्चों, ए टू बाई ए वन आपके पास में कितना है, आपको ए वन अपॉन ए टू की वैल्यू 1/3 गिवन है, ए वन अपॉन ए टू, यहां पर आपको ए टू अपॉन ए वन फाइंड करना है तो वो हो जाएगा 3/1, ऐसे ही आपको जो है वाई वन बाई वाई टू गिवन है वो कितना है 1/4, तो वाई टू अपॉन वाई वन निकालेंगे तो वो हो जाएगा 4/1, तो जब सोल्व करेंगे बच्चों ये आपके पास में 12/1 यानी कि 12 आपके पास में इनका रेशो निकल के आता है। एक ये सवाल है जो काफी इंपॉर्टेंट है। अब इसी तरह के सवाल अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, आइए कुछ सवालों को और भी जानते हैं इसमें किस तरह के सवाल एग्जाम में आते हैं। देखिए इसमें क्या है, इसमें एक स्टील रोड है जिसकी रेडियस आपको गिवन है 20 मिलीमीटर, लेंथ गिवन है 2 मीटर, फोर्स उसके ऊपर आपने अप्लाई किया स्टील वायर के ऊपर कितना, स्टील रोड के ऊपर इतने किलो न्यूटन का, तो इसका यंग्स मॉडुलस आपको दे दिया इतना है, तो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस पूछ रहा है उसमें कितनी होगी, या वो इतने इंटू 10 की पावर माइनस 5 इतना है, तो यहां पर क्या होगा ये आपसे पूछा गया है। तो सबसे पहले इसमें तो आप यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, तो वहां से स्ट्रेन जब आप लिखेंगे तो स्ट्रेन इक्वल टू आप लिख सकते हैं वाई इंटू स्ट्रेस,
y इक्वल टू स्ट्रेन इक्वल टू होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, तो स्ट्रेन इक्वल टू होता है बच्चों स्ट्रेस अपॉन y। तो यहां लिख सकते हैं आप इसको स्ट्रेस अपॉन y, y इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, तो स्ट्रेन इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन y। बिल्कुल बेसिक फॉर्मूला, सिंपल फॉर्मूला आपने लिखा है। तो यहां पर स्ट्रेस आपको पता ही है फोर्स अपॉन एरिया होता है, तो सबकी वैल्यू उसमें जब पुट करें हम, फोर्स आपके पास में है 62.8 किलो न्यूटन, किलो का मतलब 10 की पावर 3 होता है बच्चों, ये याद रखिए। न्यूटन के साथ में के लिखा है, तो के मतलब किलो न्यूटन, यानी कि 10 की पावर 3। और एरिया आपके पास कितना है, एरिया आपके पास गिवन है, एरिया का रेडियस गिवन है, रेडियस है 20 मिलीमीटर, तो एरिया निकालते हैं पाई आर स्क्वायर से, आर की वैल्यू 20 मिलीमीटर है तो उसको मीटर में चेंज करेंगे, -3 से मल्टीप्लाई स्क्वायर, 20 × 10⁻³ का स्क्वायर हो गया, साथ में वाई की वैल्यू पुट करेंगे 2 × 10⁻¹। तो बच्चों ये सारी वैल्यूज इसमें जो जो गिवन थी आपने पुट कर दी है, तो यहां पर जो निकल के आएगा इसमें ये जो L है इसका तो कोई यूज नहीं था 2 मीटर का यहां पर, क्योंकि हमें डायरेक्ट स्ट्रेन पूछी थी, तो ये आपके पास में आएगा 20, पाई की वैल्यू 3.14 पुट कर लेंगे, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं 25 × 10⁵। कोई यूनिट इसकी नहीं होती, स्ट्रेन का मैग्नीट्यूड 25 × 10⁵। ये यूनिट लेस होता है तो यूनिट नहीं लिखेंगे इसकी, तो यहां पर 10⁻⁵ तो लिखा ही है, तो इसका मतलब ये कितना लिखेंगे यहां पर, ये 25 भी यहां पर होगा। तो एक तो इस तरह के नोमेकल, इसमें और कैसा नोमेकल आ सकता है आइए उसको भी देखते हैं। इस सवाल में क्या है, एक मेटल ब्लॉक एम सस्पेंडेड फ्रॉम रिजिड सपोर्ट थ्रू ए मेटल वायर डायमीटर दिया, उसका टेंसाइल स्ट्रेस दे दिया इक्विलिब्रियम में, तो पूछ रहा है वैल्यू ऑफ एम पूछ रहा है कितनी होगी, यानी कि एक वायर के ऊपर जो टेंसाइल मतलब मैक्सिमम स्ट्रेस जो लग सकता है उसका मैग्नीट्यूड गिवन है इतना, मैग्नीट्यूड 7 × 10⁵ न्यूटन ये पर मीटर स्क्वायर होता है यहां पर इसकी यूनिट में। तो पूछ रहा है इसका डायमीटर एक आपको गिवन है, तो पूछ रहा है बताइए ये जो मास सस्पेंड करेंगे वो कितना होगा। तो ये तो बहुत ही आसान सवाल है बच्चों, टेंसाइल स्ट्रेस जब सोल्व करेंगे, टेंसाइल स्ट्रेस आप लिखें या नॉर्मल स्ट्रेस लिखें, स्ट्रेस इक्वल टू क्या होता है, स्ट्रेस इक्वल टू आप पढ़ते हैं फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स यहां पर आप एम जी लिख लीजिए, एरिया डायमीटर की फॉर्म में लिखना हो तो पाई आर स्क्वायर से आर की वैल्यू डी बाई टू, तो पाई डी स्क्वायर बाई फोर, फोर ऊपर चला जाएगा, तो ये आपके पास में टेंसाइल स्ट्रेस का फॉर्मूला हो गया डायमीटर की फॉर्म में। तो यहां से मास निकालना हो तो मास आपके पास में लिखा जाएगा, ये जो भी स्ट्रेस की वैल्यू है वो लिखेंगे, इसकी मल्टीप्लाई पाई डी स्क्वायर से करेंगे, स्ट्रेस कौन सा है टेंसाइल स्ट्रेस है, अपॉन 4g। बच्चों इसमें सब की वैल्यू पुट कर लीजिए आप, इसमें सब क्या मैग्नीट्यूड पुट कीजिए, टेंसाइल स्ट्रेस 7 × 10⁵, याद रखिएगा पुट करते समय सारा एमके सिस्टम में आपको लेना होता है, पाई आपके पास में 3.14 है या इसको 22/7 भी बोलते हैं आप, और डायमीटर आपके पास में 14 मिलीमीटर है, तो मिलीमीटर को आपको क्या करना पड़ेगा, मीटर में चेंज करना पड़ेगा, मिलीमीटर को जब मीटर में चेंज करते हैं तो तरीका पता होना चाहिए आपको, 10⁻³ से मल्टीप्लाई करते हैं तो करते हैं, और फिर डी का स्क्वायर तो उसका स्क्वायर कर दिया अपॉन 4, और जी की वैल्यू आपको गिवन है 9.8। तो बच्चों जब इसको आप सोल्व करेंगे यहाँ पर, इसका जो मैग्नीट्यूड आपके पास में निकल के आता है वो मैग्नीट्यूड कितना आएगा यहाँ पर, ये आपके पास में आएगा लगभग 11 kg के आसपास, मैं डायरेक्ट लिख दिया, आप इसको सोल्व कर सकते हैं, ये आपके पास में आएगा यहाँ पर 11 kg के आसपास। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है बच्चों, जो अक्सर एग्जाम में आपके पूछा जाता है, और इस तरह के सवाल और क्या हो सकते हैं, आइए एक दो सवालों को और सीखते हैं।
देखिए इसमें क्या है, यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील वायर आपके पास में, लंबाई 6 मीटर है, क्रॉस सेक्शन एरिया 3 मिलीमीटर स्क्वायर है, ये यंग्स मॉडुलस है, वायर को सस्पेंड किया है ऑन ए गिवन प्लेन, किसी दूसरे प्लेनेट के ऊपर आप उसको यूज कर रहे हैं, एक अर्थ से अलग किसी दूसरे प्लेनेट पे जा करके आपने उससे एक वायर से आपने क्या किया है, एक मास को सस्पेंड किया है, और जो उसका एक्सेलेरेशन है वहां पर वो कितना है, 1/4 ऑफ इट्स वैल्यू ऑन अर्थ, जी के ऊपर जो वैल्यू है उसका 1/4 है, जी पे अर्थ के ऊपर जो जी की वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 9.8 होती है, वहां पर कितना लिखेंगे, 9.8/4 लिखेंगे, तो वहां पर उस तार में कितना इलोंगेशन आएगा ये आपसे पूछा है। तो देखिए ये बिल्कुल ही आसान सवाल है ये भी, इसको अगर हमें सोल्व करना हो बच्चों, यहां लिख लें इसका फॉर्मूला लिख लीजिए, डेल्टा एल इक्वल टू किसके बराबर होगा, ये आपके पास में जो मास आप सस्पेंड करेंगे एम, वहां पर एक्सेलेरेशन को जी डैश लिख लीजिए, लंबाई एल, और एरिया कितना होगा बच्चे, ये आपके पास एरिया ही डायरेक्ट गिवन है ए और इनटू वाई, इसमें सब की वैल्यू आपको पुट करनी है, कैसे कैसे पुट करेंगे देखिए, एम की वैल्यू है 4 kg, जी को जी डैश को लिखेंगे 9.8/4, एल आपके पास में 6 मीटर है, एरिया आपके पास में इतना मिलीमीटर स्क्वायर है, इसका आप स्क्वायर मिलीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो 3 × 10⁻³ का होल स्क्वायर तो -6 हो जाएगा, इंटू वाई आपके पास में 2 × 10⁻¹ है। बच्चों इसको जब आप सोल्व करते हैं, इस कैलकुलेशन को जब आप सोल्व करेंगे, ये यहां पर दो ऊपर लिख दे रहा हूं मैं इसको, डिविजन 3 × 10⁻¹ मल्टीप्लाई 2 × 10⁻¹। तो इसको जब आप सोल्व करेंगे तो ये आपके पास में लगभग निकल के आ गई, यहां पर लास्ट में वाई की वैल्यू पुट की है, लगभग ये आपके पास में डेल्टा एल का जो मैग्नीट्यूड आपके पास में आएगा ये 0.1 × 10⁻³ के बराबर आएगा, या इसको मिलीमीटर में अगर आपको लिखना हो तो ये 0.1 मिलीमीटर के बराबर होता है। तो 0.1 मिलीमीटर आपके पास में कौन सा करेक्ट ऑप्शन है, ये आपके पास में डी वाला ऑप्शन बच्चों बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, इसमें जो आपके पास में वैल्यू आएगी इलोंगेशन की दूसरे प्लेनेट के ऊपर वो 0.1 मिलीमीटर आएगी। बच्चों क्लियर कट बात है, इस चैप्टर में जो सवाल आते हैं डायरेक्ट न्यूमेरिकल बेस सवाल है, अगर आपको बेसिक फॉर्मूला मालूम है, आपको थोड़ा सा भी ये कन्वर्जन पता है कि कैसे आप किसी भी CGS सिस्टम को MKS सिस्टम में कन्वर्ट करते हैं, वो चीजें पता है, थोड़ा बहुत बातें आपको पता है कि जहां पर जी लेना है कौन सा जी लेने से उसमें दूसरे प्लेनेट की बात करने लगा, तो कुछ बच्चे डायरेक्ट फॉर्मूले पढ़ लेते हैं y=mgl/πr² जो है डेल्टा एल, तो वहां पर याद रखना है कि जिस प्लेनेट की बात कर रहा है वहां पर जी की, वहां पर जान प्लेनेट के बदलने से जी की वैल्यू बदल जा रही है, कितनी बदल रही वो भी दे दिया, g/4 हो गया, तो वहां पर जो भी वैल्यू गिवन है सीधा डायरेक्ट फॉर्मूले यूज करने हैं। चैप्टर में बहुत आसान चैप्टर है, बहुत छोटा चैप्टर है, और इस चैप्टर से सवाल अक्सर सभी बच्चे सोल्व करते हैं एग्जाम में अपने, मैं उम्मीद करता हूं आप सब बहुत बेहतर करेंगे।